सबसे ज्यादा एक्साइटेड कौन है आप में से आज यहाँ पर? रात को नींद कितनों को नहीं आई ढंग से? पूरी रात कौन नहीं सोया या सोई? तो यहाँ पे गद्दे वद्दे लगवा दें आपके लिए, नींद आ रही होगी। तो अब वही लोग बोलेंगे टॉपिक जिनके पास में कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी टॉपिक है जो मैंने आज से पहले कभी भी टच नहीं किया है या डीपली कवर नहीं किया है। तो अगर आप में से किसी के भी पास में ऐसा कोई टॉपिक है तो आप हाथ ऊपर करके बोल सकते हैं। अगर आपने कोई ऐसा टॉपिक पूछ लिया जिस पे किसी ने हाथ ऊपर नहीं किया तो आप जलील होकर के बैठेंगे। अब बताओ किस में दम है? अरे वाह, अभी भी दम है मतलब? हाँ, डर नहीं लग रहा है? मैंने इतना डरा दिया है? आप बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, इनको माइक दे दो। हाय सर, माय नेम इज दिव्यांश शर्मा एंड द टॉपिक आई वांट टू डिस्कस इज फोकस एंड प्रिजर्विनेंस इज अबाउट कीप वर्किंग इन वन डायरेक्शन अंटिल यू गेट सक्सेस। एक ही डायरेक्शन में काम करते रहो। 22 से 25 साल की एज ऐसी एज होती है जो हमारा आगे का पूरा लाइफस्टाइल डिसाइड करती है। सो आई वांट टू डिस्कस दिस टॉपिक इफ इट इज। कितने चाहते हैं ये हो आज के सेशन का? और सबने हाथ ऊपर कर दिया। इतना तगड़ा टॉपिक थी, आपको तो पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। पूरी मेजॉरिटी, 100% मेजॉरिटी। वाह जी वाह। प्लीज हैव अ सीट, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। हर एक की लाइफ में कोई ना कोई गोल होता है कि अगले 3 साल में, अगले 5 साल में मुझे ये करना ही करना है। अगर वो गोल ही नहीं है तब तो फिर तो यहाँ पर भी आप टाइम पास करने ही आए हो। हाँ, बाहर बाद में छोला पूड़ी मिलेगा, खा करके जाना। मजाक करो, वो भी नहीं मिलेगा। कुछ लोगों की शक्ल उतर गई। अरे यार, जो भी आपका गोल है कि मेरे को अगले 3 साल में, 5 साल में ये करना है, तो ऐसा कैसे हो कि हमारा माइंड उस गोल पे फिक्स हो जाए? हमने काम को करना शुरू किया, कुछ दिन तक किया, जो सोच करके किया था कि हाँ 1 महीने में ऐसा हो जाएगा, उसका 1% भी रिजल्ट नहीं आया, या फिर माइंड में ही कुछ और आ गया, या फिर हम डिस्ट्रैक्ट हो गए। पता लगा जब आपने काम करना शुरू किया था उस गोल के ऊपर, तब आपकी एक रिलेशनशिप थी किसी के साथ में पिछले कुछ सालों से, वो एकदम से खत्म हो गई, सब खत्म हो गया। उसके बाद सिर्फ दारू आपकी अपनी रह गई। मतलब क्या हुआ, हम गोल से हट गए पूरी तरह से। तो क्यों हटते हैं मैं उस पर नहीं जा रहा, बट द पॉइंट इज, ऐसा कैसे हो कि हम जो भी हमारा गोल है उस पर पूरी तरह से फोकस्ड रहे। इनफैक्ट मजेदार बात क्या है कि आज सुबह सुबह जब मैं बैडमिंटन खेल रहा था तो कुछ ऐसी ही एक इंसाइट आई थी मेरे अंदर। मैंने क्या ऑब्जर्व किया, जैसे जैसे मैं गेम जीत रहा था मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जा रहा था। ऐसा होता है या नहीं होता? यानी जब हमारे हिसाब से कुछ हो रहा होता है लाइफ में तब हम ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे होते हैं, तब हम एक्साइटेड हो रहे होते हैं, और जब हम हार रहे होते हैं तो हमारी जो नेचुरल गेम होती है उससे लेवल बहुत नीचे हो जाता है। धीरे धीरे गेम ही छूटने लग जाती है, गेम में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, खेलने का ही मन नहीं करता है। तो सॉल्यूशन जो है वो है कि कैसे हम अपने गोल की तरफ काम करते रहे, चाहे कम करें चाहे ज्यादा करें, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, करते रहे, उसको छोड़े ना। मतलब कुछ भी हमको अचीव करना है तो ये क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? हम नेचुरली खेल रहे होते हैं तो हम एक फ्लो में होते हैं, सब कुछ अपने आप हो रहा होता है, वहां पे कुछ करने की जरूरत नहीं होती। चाहे हम वहां पर जीत रहे हैं, हार रहे हैं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट हम नेचुरली खेल रहे हैं। नेचुरल को आप एक और वर्ड यहां पर यूज कर सकते हो, एफर्टलेस। यहां पर कोई एफर्ट नहीं होता है। जब हमारी गेम नेचुरल से नीचे गिर जाती है तो एफर्ट होता है उसको उठाने का, जब बहुत ऊपर चली जाती है तो एफर्ट होता है उसको बनाए रखने का। तो एफर्ट ना हो, एफर्टलेस हो जाए, इसको आप कह सकते हो एफर्टलेस एफर्ट, कि काम सारे हो रहे हो लेकिन एफर्ट ना लग रहा हो। यही लाइफ का गोल नहीं होना चाहिए? या लाइफ का गोल ये होना चाहिए कि बहुत एफर्ट लगा लगा करके आपको काम करने पड़ रहे हैं, क्योंकि वो काम ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता है। ऐसा अगर आपने कोई गोल सेट कर लिया जिसके लिए आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़ रहा है, तो क्या प्रैक्टिकल है उसको अचीव करना? एक है जिसमें कोई एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है, आउटपुट उससे ज्यादा आ रहा है। अगर एग्जाम्पल से समझाऊं, फॉर एग्जाम्पल, फिटनेस तो हमको चाहिए ही ना, जैसे पैसा चाहिए ही। तो दो तरीके हैं फिटनेस को अचीव करने के। एक ये है कि कोई ऐसा काम जिसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है, यानी कि जिम, वहां पर मैं जाऊं और अपने आप को पुश करता रहूं और पूरी कोशिश करूं उसको अचीव करने की। वहां पे एफर्ट बहुत लगने वाला है लेकिन रिजल्ट आने के चांसेस, जो भी मेरा गोल है 1 साल में, जो भी फिटनेस गोल है उसको अचीव करना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर मी, क्योंकि उस काम में इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा क्या है जो मैंने भी आपको बताया, बैडमिंटन। डेली 1 घंटा बैडमिंटन खेलता हूं, वहां पे एफर्ट क्या है, रिजल्ट कितना है, इससे ज्यादा ही है।
क्योंकि जिम में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो जब जिम से आऊंगा तो मैं थका हूंगा पूरे दिन के लिए, थकान थकान सी होगी, क्योंकि उसमें तो इंटरेस्ट है ही नहीं, जबरदस्ती करना पड़ रहा है फिटनेस के लिए। तो ऐसे ही जबरदस्ती कोई काम करना पड़ रहा है पैसे के लिए, क्यों? क्योंकि सब वही काम कर रहे हैं। ये जो फंडा हमने फिटनेस में लगाया, क्या इसको पैसे में नहीं लगा सकते? पैसा कमाने का क्या एक ही तरीका है दुनिया में, जिस तरह से सब कमा रहे हैं? मतलब अगर सारे जिम जा रहे हैं तो मुझे भी जिम जाना चाहिए, मुझे वही करना चाहिए ना जो मेरा पैशन है, जिस काम में मेरा इंटरेस्ट है। हम क्या कर रहे हैं कि गोल सेट करने से पहले क्या करना चाहिए उसकी भी बात कर रहे हैं हम। सिर्फ ये नहीं कि गोल को अचीव कैसे करना है, क्योंकि अगर मेरा गोल फिटनेस है अगले एक साल में, और अगर मैं जिम के थ्रू अचीव करता हूं, तो मैं चाहे कितनी भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लूं, कितना भी अपने अंदर से जोर लगा लूं, कितना भी कुछ भी कर लूं, वो रिजल्ट नहीं आ सकता जो यहां से आ जाएगा, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट नहीं है, बड़ा बोरिंग लगता है। आई एम नॉट इंटरेस्ट, किसी और के लिए हो सकता है इंटरेस्ट, मेरे लिए नहीं। ऐसे ही ये जो पैसे से रिलेटेड आपके जो गोल्स हैं, तो गोल सेट करने से पहले अपने आप से पूछो कि उस गोल को अचीव करने के लिए जो करना पड़ेगा, क्या उसमें मेरा इंटरेस्ट है या नहीं है, या गोल अचीव होने के बाद जो मिलेगा उसमें इंटरेस्ट है। दोनों में बड़ा फर्क है। वहां एफर्ट बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा और रिजल्ट मिलने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि बीच में कहीं ना कहीं आप टूट जाओगे, या तो उस काम को छोड़ दोगे, या अपना एफर्ट लगाना बंद कर दोगे, या नेचुरली वहां पे आप नहीं कर पाओगे। जब भी कुछ भी अननेचुरल होता है तो उसको हम सस्टेन नहीं कर सकते। जैसे हमारा एक नेचुरल ब्रीदिंग का पैटर्न है, उसमें कोई एफर्ट की जरूरत है? नेचुरली अपने आप चल रही है। बट अगर आपको बोला जाए कि पूरे दिन इसी तरह से आपको ब्रीद करना है जैसे कछुआ करता है, कछुए के बारे में पता है आपको, एक मिनट में कितनी ब्रेथ लेता है? हम एक मिनट में कितनी ब्रेथ लेते हैं? 70 से 74 एक मिनट में? अरे नहीं यार, 70-74 तो कुत्ता भी नहीं लेता होगा। जस्ट थिंकिंग, मतलब कुत्ता कितनी बार लेता होगा एक मिनट में? कोई कुत्ता नहीं है यहाँ पे, बोलो अपने एक्सपीरियंस से बोलो। हाथी से आ गया था कुत्ता नहीं है, ऐसी हाइपोथेटिकल कुछ पकड़ लेते हैं, मान लो 30 बार हाफ ऑफ हार्ट बीट। कुत्ते की हार्ट बीट क्या है? आप इंसान की बात कर रहे हो, मैं भी कुत्ते पे हूं, कुत्ते को नहीं छोड़ते। एक मिनट, कुत्ता भी लाते हैं, इंसान भी लाते हैं, कछुआ भी लाते हैं, फिर देखते हैं। तो बड़ा मजेदार है, आप अज्यूम कर लेते हैं ना, कुत्ते का अजम्पशन ले लेते हैं 30, आपका ले लेते हैं, कुत्ते से सीधा आप पे आए, आपका ले लेते हैं मान लो 20, कछुए का होता है 4 से 5 6। अरे बड़ा ऑब्जर्व किया है कछुए को बैठ करके, हाँ देखा है, हाथ लगा करके उसके पास में आए। तो कछुए का हो गया 6, आपका हो गया नेचुरल जो है मान लो 20 या 17-18 व्हाटएवर, चलो एक पकड़ लेते हैं ना, 6, 18 और 30। अब आपको बोला जाए पूरे दिन आप जो चाहते हो आपको मिल जाएगा, क्या चाहिए? मुझे जॉब चाहिए जहां से मेरे को 1,00,000 रुपए महीने का आ जाए। ठीक है, आपको कुत्ते की तरह सांस लेनी होगी, मतलब एक मिनट में 18 बार नहीं 30 बार लेनी होगी। क्या होगा, सक्सेसफुल होने के चांसेस क्या है? हाँ, या फिर कछुए की तरह ब्रीथ करना होगा, धीरे धीरे ब्रीथ लेनी होगी। अननेचुरल हो गया वो आपके लिए, तो आप एक्साइटेड तो हो जाओगे सुन करके, अगर आपको कोई बड़ा अमाउंट दिया जाए तो ठीक है, ये करो उसके बाद में 10,00,000 रुपए मिले, आ मैं तैयार हूं, मैं करूंगा। कर पाओगे क्या? क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि आपकी जो एक नेचुरल टेंडेंसी है, नेचुरल जो कंपोजिशन है आपके बॉडी माइंड जो स्ट्रक्चर है, उसके थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे आप कर सकते हो, बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, वहां फंस जाओगे। इसी तरह से पैसा कमाने के लिए जो भी करने वाले हो, उसमें आपका इंटरेस्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चल जाएगा, बिल्कुल ही उससे अपोजिट है जो आपकी पर्सनैलिटी है तो फंस गए, फिर मेरी सारी बातें बेकार है। इसलिए मैं बातें कर रहा हूं, क्योंकि बातें तभी काम की है जब ये पहला काम आपने ढंग से सोच समझ के चूज किया है। इसको देख लेते हैं, द मोस्ट फूलिश वे टू लिव योर लाइफ एंड द मोस्ट इंटेलिजेंट वे टू लिव योर लाइफ। द मोस्ट फूलिश क्या है? कोई ऐसा काम करना पड़ रहा है जो एक मिनट भी करना आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, फिर भी कर रहे हो सुबह से रात तक, इसको क्या कहेंगे? इंटेलिजेंट लिविंग कहेंगे, फूलिश लिविंग कहेंगे? जैसे होता नहीं, जानवरों को हम कैद कर देते हैं, उनकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी
लेकिन यहाँ पे ये सवाल नहीं होगा, ये क्वेश्चन नहीं होगा उसको करना पसंद है नहीं है। बैल से ये नहीं पूछा जाएगा कि तेरे को करना पसंद है नहीं है। सो द मोस्ट फूलिश वे ऑफ लिविंग आवर लाइफ, ये बातें सुनने में कड़वी तो नहीं लग रही है? उधर किसी के हाथ ऊपर आया है, बुरा लग रहा है? अच्छा कुछ कहना है, एक मिनट रुक जाओ, बीच में फ्लो को खराब मत करो, जब मैं कहूंगा बोलने के लिए तब आप बोलना। द मोस्ट इंटेलिजेंट वे ऑफ लिविंग क्या है? द मोस्ट इंटेलिजेंट, कोई ऐसा काम आप कर रहे हो जिसको करने के लिए अगर आपको पैसा नहीं भी मिलता है तब भी आप करोगे, और फिर ऊपर से पैसा भी बहुत मिल रहा है, ये मोस्ट इंटेलिजेंट वे ऑफ लिविंग नहीं हो गया? मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ यही आपके साथ होना चाहिए या यही हो रहा, आपको देखना है आप कहां पर हो। अगर यहां हो तो कोशिश तो करो थोड़ा इधर उधर शिफ्ट होने की। अगर यहीं पे आप जीते रहे, द मोस्ट फूलिश वे ऑफ लिविंग, हाँ ठीक है जिंदगी तो निकल जाएगी, टाइम तो निकल जाएगा, 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल सब निकल जाता है, 100 साल तक तो कौन रहने वाला है, टाइम तो निकल जाता है। द पॉइंट इज, आर यू लिविंग योर लाइफ इंटेलिजेंटली और फूलिशली? और इन दोनों के बीच में, इन दो एक्सट्रीम्स के बीच में क्या है? कोई ऐसा काम जो करना आपको बहुत पसंद नहीं भी है, मतलब है भी और नहीं भी है, ऐसे भी काम होते हैं ना, हाँ ठीक है गाड़ी चल जाती है तो आप बीच में हो, वो भी बुरा नहीं है, एटलीस्ट यहां से यहां तक तो आए, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी शायद यहां से वहां भी पहुंच जाओगे कभी ना कभी। एक एनिमल किंगडम है बोलते ना, और एक ह्यूमंस है, दोनों में फर्क क्या है, सबसे बड़ा फर्क क्या है? एनिमल्स आर लिविंग ओनली फॉर सर्वाइवल, सुबह से रात तक उनके लिए क्या है अगर देखा जाए उनकी जिंदगी क्या है? एक बचना है कि कोई मुझे मार ना दे, एक किसी को मारना है खुद जिंदा रहने के लिए, सर्वाइवल बस, और तो कुछ नहीं है। तो अगर हम भी ऐसे जिए डर करके कि कहीं मुझे कोई मार ना दे और कहीं मैं मर ना जाऊं, तो क्या हम भी जानवरों की तरह नहीं जिए? इंसान होने का क्या फायदा, इस ब्रेन का क्या फायदा, अगर पूरी जिंदगी पैसा 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 करते करते जिए, पैसा 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 करते करते मरे, तो हमें और जानवरों में फर्क क्या है? वो भी तो यही कर रहे हैं। और एक लेवल है जो जानवरों से भी नीचे है, वो क्या है ध्यान से समझना। आपने कमा लिया पैसा, आपके पास में पैसा है, फिर भी आप पैसे के लिए जी रहे हो, उससे भी नीचे का लेवल नहीं हो गया? बेवकूफी की हद, सारी हदें पार। देखा ना ऐसे लोग गल्ले में बैठे हैं सुबह से लेकर के रात तक, नोट गिने चले जा रहे, ऐसे ही गिनते हैं, मैं नोट गिने में बहुत टाइम हो गया, पैसा है लेकिन नोट गिने में टाइम, गल्ले में बैठे सुबह से रात तक नोट गिने चले जा रहे, पेट में फैला पड़ा है, चाय रखे हुए पी रहे हैं, बैठे हुए हैं काट रहे हैं जिंदगी, इसको इंटेलिजेंट वे ऑफ लिविंग है। एक आदमी जिसके पास पैसा नहीं है वो पैसे के लिए जी रहे, समझ आता है आपके पास इतना है कि तो बैठे बैठे खा सकते हैं, फिर भी बोल रहे होते हैं कि कुछ नहीं है हमारे पास, हाँ फिर भी बोल रहे होते हैं, ये उससे भी नीचे का लेवल आ गया। जानवर, जानवर से नीचे वो आदमी जिसका पैसा बहुत है लेकिन जी रहा है जानवरों की तरह, उससे भी नीचे का लेवल है जिसके पास पैसा बहुत है, वो कह रहा मेरे पास में कुछ नहीं, अबे झूठे कंजूस, नहीं मक्खी चूस, चाय में से मक्खी निकाल के चूस के साइड कर रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ रुकना है? ये क्या पूछ लिया आपने, मतलब आप ये कह रहे हो कि नीचे जो लेवल जा रहा है वहां पे कहाँ रुकना है? आप ऊपर की बात कर रहे हैं, नीचे की बात कर रहे हैं? इससे भी नीचे एक लेवल है, वो मैं बता देता हूँ, वो पता नहीं आप में से कौन है कौन नहीं है, मतलब उनके पास में पैसा है फिर भी ऐसे लोगों का पैसा मार रहे हैं जो करप्ट लोग होते हैं, कुछ ऐसे लोगों से पैसा ले रहे हैं जिनके लिए वो पैसा लाइफ लाइन के जैसा है, बिल्कुल ऐसा है, पैसा पैसे में और हवा में पानी में ज्यादा फर्क नहीं है। कोई ऐसा बंदा है जो प्यास से तड़प रहा है 10 दिन से, उसको अगर वो एक ग्लास मिल जाए तो वो जिंदा रहेगा, उससे भी वो एक ग्लास छीन रहे हैं, और खुद के पास कुएं खुदे पड़े हैं, ये उससे भी नीचे का लेवल है, ये सबसे नीचे का लेवल है। तो ये तो हो गया नीचे, अब बड़े सीरियस हो गए आप, सारे उसी लेवल पे हैं क्या? तो हाईएस्ट लेवल ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस क्या है, कि आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो विच यू आर पैशनेट अबाउट, कुछ ऐसा जो मीनिंगफुल हो, जिसका सिर्फ आपकी लाइफ के लिए नहीं औरों के लिए भी
कुछ मीनिंग हो, यानी जब आप जाओ इस दुनिया से तो एटलीस्ट ये हो कि हाँ यार ये बंदा इस दुनिया में आया तो इसने कुछ तो किया। चाहे दो तीन लोगों की लाइफ, दो भी छोड़ो, किसी एक की लाइफ आपकी वजह से बेटर हुई, आपके इस दुनिया में आने की वजह से किसी एक बच्चे की लाइफ बेटर हो गई, तो क्या मीनिंग आया लाइफ में? नहीं आया। तो ये मीनिंग ही तो हमको अलग कर रहा है जानवरों से और इंसानों से। यानी सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे हो, जानवर का मतलब क्या है, सिर्फ अपने लिए जिए अपने लिए मरे। कुछ ऐसे लोग जो बदले में हमको कुछ नहीं दे सकते, कुछ नहीं देने वाले, उनके लिए भी पूरे दिल से कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हाईएस्ट लेवल आ गया ना, मतलब अपना नुकसान एक बार को फिर भी होने दोगे, लेकिन अपने फायदे के लिए किसी और का नुकसान किसी हालत में नहीं करोगे। सर अगर किसी का हो जाए तो? आपकी इंटेंशन किसी का कुछ गलत करने की नहीं है। यानी आपने कुआं खोदा इसलिए कि आसपास के गांव वाले पानी पिए वहां पर आकर, और आपने उस कुएं पे कब्जा नहीं किया कि आओ पी लो जितना पीना है, सब जी लो। ये तो हो गया एक एंगल। लेकिन उस कुएं में कोई लड़का जिसको किसी लड़की ने छोड़ दिया, वो कूद भी तो सकता है ना जाकर के, जिसको तैरना नहीं आता, मर गया। किसकी वजह से मरा? कुएं की वजह से तो मरा। कुआं नहीं होता तो कैसे मरता? वहां तो दूर दूर तक पानी नहीं था, सूखे में थोड़ी मरता, सूखे में लेटा रहता, मैं डूब गया, मरता ही नहीं। तो कुएं की वजह से मरा वो। कुआं किसने खोदा? मैंने खोदा। तो क्या मैं रोऊं बैठ कर? वो मर गया, मेरी वजह से मर गया। अगर कुआं नहीं होता तो वो बच जाता। सोच रहे थे कुछ अच्छे के लिए हम कर रहे थे, लेकिन हो गया है कुछ बुरा, अब क्या करें? अब उसके बाद भी अपने गोल पे फोकस कैसे रहे? उसके बाद भी अपने माइंड को ऐसा कैसे रखें कि हमारा जो माइंड है वो बार बार वहां ना जाए, वो यहीं पे रहे। बैडमिंटन वाले एग्जाम्पल को याद करो। देखो क्या होता है, हम कुछ कर रहे होते हैं, उसका आउटकम जब हमारे हिसाब से नहीं आता है, यानी मैं खेल रहा हूं और एक गेम हार गया, दूसरी गेम हार गया, तीसरी गेम हार गया, तो क्या होता है? बुरा लगने लग जाता है, गुस्सा आने लग जाता है, इरिटेशन होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है। तब हम अपने गेम को उठाने की कोशिश करते हैं, जितना उठाने की कोशिश करते हैं उतना ही गिरता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा जोर लगा रहे हैं। करना क्या है, जैसे बैडमिंटन में क्या होता है, करना क्या है, गैप्स में शटल को डालना है, हम क्या कर रहे हैं, जोर लगा रहे हैं। जितना जोर लगा रहे हैं उतना हम थक रहे हैं। वहां पर स्मैश नहीं मारना है, गैप्स को ढूंढना है। गैप मतलब ये है कि एग्जैक्टली ये जो मैं कर रहा हूं उसको किस डायरेक्शन में करना है, शटल को क्या डायरेक्शन देनी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या जोर लगाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेहनत करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगे रहना डायरेक्शन एग्जैक्टली ऐसी किसी जगह पे शटल को पहुंचाना जहां पर दूर दूर तक तो कोई ना हो, चाहे तेज चाहे धीरे, दैट इज सेकेंडरी। वहां पर कई बार तेज भी पहुंचाना होता है, तेज मारना होता है, कभी बहुत धीरे मारना हो, तो कभी बहुत ही धीरे, हल्का सा टच, टच किया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।